So hello guys, today we are going to solve this question of LeetCode code which says that to sum 2, इसका मतलब इसका 1 भी है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि एक तुम्हारा एरे गिवन है और एक टारगेट गिवन है, ठीक है, वो तो दिख ही रहा है फंक्शन में। अब यह कि जो एरे वो तुम्हारा सॉर्टेड है, ठीक है। अब क्या करना है, किन्हीं दो एलिमेंट का सम अगर हो गया टारगेट वैल्यू के बराबर तो तुमको उसका इंडेक्स पास कर देना है, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल कोड लग रहा है कि तुम क्या करोगे, इसमें दो फॉर लूप लगा लोगे। दो फॉर लूप लगाने के बाद हर एक एलिमेंट को प्लस प्लस करके देखोगे, कोई ना कोई एलिमेंट मिल जाएगा, उस एलिमेंट का इंडेक्स को पास कर दोगे, कोड ख़त्म हो जाएगा। बट क्या होगा कि तुम्हारा लीड कोड प्लेटफॉर्म उसको एक्सेप्ट करेगा नहीं, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रेंट्स देखो, 1000 एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं भाई यहाँ, ठीक है। 1000 एलिमेंट जो नम्स 1000 तो हम एक मतलब एलिमेंट का साइज बोल रहे हैं, 3 × 10⁴ एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं इस नंबर्स एरे में, ठीक है। तो तुमको इसको किसी भी तरह ऑप्टिमाइज़ करना है, ठीक है। n² अप्रोच नहीं लगाएंगे हम लोग, ठीक है। तो ऑप्टिमाइज़ करे तो करेगा इससे, तो हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे मैप का, ठीक है। अब सिंपल सा टेक्निक है, मैप ले लेते हैं पहले, एक int, ठीक है, m हो गया मैप का नाम, ठीक है। अब क्या करना है, एक k वैल्यू ले लेना है, ठीक है। और क्या करना है, फॉर int i = 0, i numbers.size और i++, ठीक है। अब क्या करना है, k = target - numbers of i, ठीक है। एक सेकंड, क्या कर दिए ये, कुछ समझ नहीं आ रहा है हमको। देखो इसमें क्या किया, इसमें थोड़ा सा लॉजिक है, थोड़ा बहुत ही लॉजिक है इसमें, ठीक है। क्या है देखो, 2 + 7 = वॉट, 9, ठीक है। तो सपोज करो तुम एरे में खड़े हो 2 में, ठीक है। तो यहाँ टारगेट जो है हमारा, यहाँ टारगेट वैल्यू पहले बोल देते हैं, टारगेट हमारा 9 है, ठीक है। तुम सपोज करो 2 पे खड़े हो अभी, ठीक है। अब 2 पे खड़े हो तो तुम ये देखो ना कि 9 - 2 कहीं है कि नहीं। तो 9 - 2 क्या होता है, 7। क्या 9 - 2 = 7, मतलब 7 अगर मैप में प्रेजेंट है तो हमारा कोड ख़त्म हो गया, ठीक है। तो तब तो हमारा जो क्या बोलते हैं जो इंडेक्स है उनका पास कर देंगे। और हम मैप लिए ही इसलिए है ताकि जो लेफ्ट साइड वाला तुम्हारा इंट है वो स्टोर कर सके जो एरे एलिमेंट है, और राइट साइड वाला जो पैरामीटर है वो स्टोर कर सके तुम्हारा इंडेक्स, ठीक है, वो स्टोर कर सके तुम्हारा इंडेक्स, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, टारगेट वैल्यू 9 है, ठीक है। तुम खड़े हो 2 पे, ठीक है। तो भाई 9 - 2 देखो ना, अगर 7 प्रेजेंट है तो बस सिंपल पास कर दो, दोनों का जो वैल्यू है मतलब जो इंडेक्स वैल्यू वो पास कर दो, सिंपल। अब करना क्या है, इफ़ हम ये नहीं लिख सकते, इफ़ m of k ये नहीं लिख सकते। तो मैप में फाइंड करने के लिए एक फंक्शन ऑलरेडी है, map.findK ≠ m.end। m.end बेसिकली ये बोल रहा है कि मतलब अगर उसमें है ही नहीं, मतलब अगर है, सॉरी, अरे =end हो गया, इसका मतलब तुम्हारा जो एलिमेंट तुम फाइंड कर रहे हो वो नहीं है, ठीक है। =end का मतलब ये हो गया कि मतलब वो एलिमेंट प्रेजेंट है जिसको तुम खोज रहे हो। तो बस तुम्हारा कोड ये हो गया कि पहले तक वेक्टर ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ देख रहे हो कि हमें वेक्टर में पास करना है इस पूरे फंक्शन को, वेक्टर में रिटर्न करना है। तो एक वेक्टर ले लेते हैं, वेक्टर इंटीजर और v, ठीक है। क्या करना है, v.pushback कर देंगे हम। पुशबैक क्या करना है, पहले तो m of k और दूसरा हो गया v.pushback i, ठीक है। इसको सेव करो, इसको सेव कर दो, ठीक है। तो हम क्या किए क्या हम, ठीक है। इसके बाद वाला लिख के हम समझा रहे हैं फिर से। एल्स क्या करना है, अगर एलिमेंट नहीं है, अगर एलिमेंट नहीं है ऐसा कुछ भी तो हम क्या करेंगे, जो नंबर्स का अभी जो जिसमें हम स्टैंड कर रहे हैं उसका हम क्या कर देंगे, इंडेक्स वैल्यू स्टोर कर लेंगे। इसका मतलब क्या है कि इस नंबर को हम लेफ़्ट में स्टोर कर देंगे और इसका जो इंडेक्स वैल्यू वो राइट में स्टोर कर देंगे। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, तो हम क्या किए इस पूरे कोड में हम ये किए कि पहले तो हम क्या किए इस फॉर लूप के अंदर आए। ठीक है, फिर हम क्या किए कि टारगेट माइनस जो नंबर अभी खड़े हैं हम, वो अगर इस मैप में ऑलरेडी प्रेजेंट है तो बस उसका राइट साइड वाला पैरामीटर हमें पास कर देना है, बस ख़त्म हो जाएगा तुम्हारा कोड। यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट भी लगा दो। ठीक है, बस। और अगर तुम्हारा जो एलिमेंट अगर प्रेजेंट नहीं है तो क्या करना है, उस मैप में इस नंबर आई को स्टोर कर दो और उसका इंडेक्स वैल्यू स्टोर कर दो। ठीक है, अब क्या करना है, रिटर्न कर दो वी, इसको सेव कर दो। अब इस कोड में बस एक गलती है, बस एक। क्या गलती है, वो तुम पढ़ते टाइम करोगे गलती, ये है गलती। इंडेक्स यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इंडेक्स यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, ऐसे तो पूरा कोड सेम रहेगा लेकिन जो पुशबैक करेंगे हम, एरे में पुशबैक करेंगे वो 1 कर देंगे, +1 कर देंगे और यहाँ +1 कर देंगे। सेव करो इस कोड को। ठीक है, देखते हैं टेस्ट केसेस पास होते हैं कि नहीं। टारगेट इसका 9 है, कॉपी कर लो इसको, उसको पेस्ट करो। टारगेट हमारा शायद 9 था, हाँ, को सेव करते हैं। ठीक है, G++ hello.cpp से इसको रन करो। ठीक है, मेरा कोड का नाम बेसिकली hello.cpp है, तुम किसी से भी सेव कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं ये चलता है कि नहीं। ये टैप कर दो, देखो 1 और 2 आ गया। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट का एडिशन तुम्हारा 9 होगा। और एक टेस्ट केस चाहो तो ले सकते हैं, और एक टेस्ट केस लेते हैं 2 3 4। इसको कॉपी करो, इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ 6 हो जाएगा तुम्हारा। इसको सेव करो, रन करो फिर से। ये पूरा कोड हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, कुछ ज़्यादा बड़ा कोड है नहीं इसमें, बस यही लॉजिक लगना था कि मैप का यूज़ करे कैसे यहाँ। ठीक है, देखो 1 और 3 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो हमारा कोड बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ बस वही लॉजिक लगना है कि मैप का कैसे अच्छे से यूज़ करें हम। पहला दिन भी बोले थे कि मैप बहुत यूज़फुल होता है ये सब प्रोग्राम्स में। ठीक है, तो मैप्स यहाँ बेसिकली ये हमारा स्टोर कर रहा है कि जो एरे है और उसका जो करस्पॉन्डिंग इंडेक्स है। ठीक है, तो ये करता जाएगा। और ये क्या होगा कि हर एलिमेंट के लिए उसका टारगेट माइनस जो अभी का एलिमेंट है वो देखता जाएगा। अगर है तो बस उसको पुश कर दो वेक्टर में और उसको रिटर्न कर दो। अगर नहीं है तो उसको पहले मैप में स्टोर करवा लो। हो सकता है कि अगला एलिमेंट, हो सकता है ये कंडीशन फुलफिल कर जाए और अगले एलिमेंट में हमारा कोड कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो देखो कितने ईजिली ये कोड हो गया हमारा। ये लगभग ऑर्डर ऑफ n में चल जाएगा तुम्हारा, कितना इजीली हो गया। n² से हम लोग ले आए इसको n में। ठीक है, तो यही दिमाग तुम लोग को लगाना है। और ऐसा कंसेप्ट बहुत सारे जगह पर तुमको अवेलेबल मिलेगी। ये कंसेप्ट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कंपैरेटिव कोडिंग के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, थैंक यू।